बता दिए और कैसे दे सकता हूँ ये मजा हिंदुस्तान की हर। चलिए अब निकल रहे हैं, टाटा बाय बाय खत्म। और मैदा इंसान शिमला मिर्च से क्या करना पड़ेगा, क्योंकि शिमला मिर्च या तो फिर। हेलो बाबा लोगों को, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को प्यार। दोस्तों मौसम यहाँ पे यार सही में कसम से है, मौसम अच्छा है वैसे, लेकिन यहाँ बारिश रुकने का नाम नहीं लेती है। अभी मेरे को मार्केट जाना था, सामान वामान लाना। एक्चुअली कल अपनी पार्टी है, पार्टी ऐसी वाली है, पॉटलक पार्टी है। आप लोग पॉटलक जानते हैं? तो मतलब पॉटलक ये होता है कि लोग अपने अपने घर से खाना बना के लाते हैं और किसी एक घर में जाके सब अपना अपना मिक्स करके खाते हैं, मतलब एक पार्टी होती है, तो उसी को पॉटलक कहते हैं। तो एक काइंड ऑफ पॉटलक है, हालांकि मतलब पॉटलक क्या, जिसके घर पे जा रहे हैं वो और एक मैं हूँ, क्योंकि मेरे को थोड़ा टास्क दिया गया चाइनीज़ का। मैं थोड़ा चाइनीज़ बनाता हूँ, तो उसके लिए सामान वामान लेके आना था मेरे को, लेकिन मौसम ऐसा हो रखा है कि कहाँ जाया जाएगा, बारिश हो रही है ऐसी। पता नहीं आपको कैमरे में दिख रही होगी कि नहीं दिख रही होगी, ये देखिए, रुकिए एक बार मैं। अब आप सबको शायद बारिश दिखे क्योंकि मैंने फ्लैश चमकाया है, तो ये देखिए पूरा गीला हो गया है। तो यही बारिश हो रही है, इस वजह से मैं जा नहीं पा रहा हूँ बाहर, मेरे को सब्जियाँ वब्जियाँ लेके आनी है। अब आज तो ऐसी लग रहा है कि आज कुछ हो पाएगा। एक तो मैंने शाम को कैमरा उठाया है आज बिल्कुल, लेकिन बादल लग बड़े सही रहे, बिल्कुल आसमान में काले बादल जा रहे हैं। कोई नहीं, आज इतना ही सूट पाया, मतलब कि आज का टास्क कंप्लीट होने से रह गया, इनकम्प्लीट रह गया, तो सह लेते हैं आज। अब आज कहीं नहीं जाते हैं, घर पे ही रहते हैं। आज का व्लॉग भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि घर पे रह के क्या बनाऊंगा मैं, घर पे रह के कुछ नहीं बना सकते हैं, घर में रह के बस बना सकते हैं उसके अलावा कुछ नहीं बना सकते, तो इसलिए घर पे रहना पड़ेगा आज। मौसम तो अच्छा है वैसे, लेकिन जाने लायक नहीं है। छाता है मेरे पास, लेकिन मैं छाता लेके फिर जाऊंगा, फिर मेरे को थैला भी चाहिए, फिर हाथ में ये कैमरा भी रहेगा, तो वो 3-in-1 वाला बंदा नहीं हूँ ना मैं। कोई नहीं, आज ऐसे ही सह लेते हैं, कल ही होगी अब शूटिंग बाकी की सारी। अब जो आप अगला देखेंगे वो नेक्स्ट डे करेगा होगा, नेक्स्ट डे डालेंगे उसमें हम। तो फाइनली दोस्तों बारिश वारिश रुक गई है, जाया जा सकता है आराम से, बाकी देख लेंगे अगर रास्ते में आ जाती है बारिश सबकी तब देखेंगे, क्योंकि सामान लाना ज़रूरी है दोस्तों। कल अपना टाइम पे बनाएंगे फिर दोस्त के वहाँ जाऊँगा, तो इसीलिए आज ही सामान ले आऊँगा, तो कल इजी पड़ेगा। तो यहाँ से मैं बना के ले जाने वाला हूँ, नहीं वो कल ही देता लगेगा आपको, कल ही दिखाऊँगा, लेकिन 3-4 आइटम है और चाइनीज़ है। तो चलिए चलते हैं, सामान लेके आते हैं फट से अपना। दोस्तों मौसम इतना प्यारा हो गया है, क्योंकि 2 दिन से चल रही थी धूप, तो आज थोड़ी सी बारिश हुई है ना, प्यारा हो गया मौसम मस्त वाला। तो अभी जो मैं सामान लेने जा रहा हूँ उसमें एक काम करते हैं, जो मैं सामान ले रहा हूँ वो आपको दिखाऊंगा, और आप गेस करना कि कल क्या क्या बनाने वाले हैं। तो कमेंट करके बताना क्या क्या बनेगा, उन सामान के बेसिस में आप लोगों को गेस करना है क्या क्या बनेगा। तो छोटा सा कंपटीशन है, देखते हैं किन किन ने गेस किया है। जो लोग पर्सनल हैं वो लोग व्हाट्सएप में कर सकते हैं, कमेंट में ना करें तो, क्योंकि कमेंट तो मेरे को आते नहीं है कोई ऐसा खास। और जो लोग वीडियो ही देखते हैं बस, सब्सक्राइबर हैं जिनके पास कॉन्टेक्ट नंबर नहीं है, वो लोग कमेंट बॉक्स पे डाल दीजिए कि कल क्या बनने वाला है, गैस करिएगा उस सामान के बेसिस में। बनने वाला जो है वो चाइनीज डिश है, मैंने आपको बता दिया, और उसमें से कुछ चीज़ें बहुत टेस्टी लगती है मेरे को, बस इतना ही है हिंट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। चाइनीज़ बहुत बड़ा हिंट है, तो सामान के बेसिस में आप लोग इजीली गेस कर सकते हैं। तो
तो चलिए सामान लेके आते हैं। यार जी देखिए, अब इन पेड़ों में ना जितने भी ये पेड़ गंजे थे सबके बाल उगाए हैं, अब मस्त पेड़ों में जो है हरियाली छा गई है। थोड़े तो कुछ कुछ पेड़ हैं अभी भी गंजे, लेकिन फिर भी काफ़ी पत्तों में बढ़िया हो गया, मतलब अब हरे हरे पत्ते दिख रहे हैं। कि इस ग्रीन बेल्ट का मजा लीजिए दोस्तों, जरा सा एक। तो मजा आया, अभी बढ़िया मस्त लग रहा है, हरा हरा सा, थोड़ा सा सोंधी सोंधी मिट्टी की ऐसी खुशबू आ रही है, तो मजा आ रहा है ये माहौल देख के। मैं ये मजा हिंदुस्तान की हर जनता को देना चाहता हूँ। कैसे दे सकता हूँ ये मजा हिंदुस्तान की हर जनता को। चलिए अब निकल रहे हैं, टाटा बाय बाय खत्म। दोस्तों सबसे पहली चीज़ है टमाटर, क्योंकि आप लोगों को पता है चाइनीज हो या कुछ भी हो टमाटर तो लगता ही है दोस्तों। दूसरी चीज़ है अपनी पत्ता गोभी, तीसरी चीज़ है अपनी बीन्स, क्योंकि बीन्स भी लगेगी उसमें। चौथा है अपना अनियंस, हालांकि अनियंस हर चीज़ में लगता है लेकिन उसमें भी खास लगना ही है, तो चौथा अनियन। अगला है अपना दोस्तों प्याज के पत्ते, एक प्याज के पत्ते का सेट लगेगा पूरा, और दही। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, दही ये पर्सनल यूज़ के लिए है, किसी खाने में नहीं डलना है दही, तो ये तो मैंने खाली ऐसे दिखा दिया कि दही भी ले रहा हूँ मैं, ताकि कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो जाएँ। तो दही है लेकिन पर्सनल यूज़ के लिए दोस्तों। दोस्तों एक चीज़ नहीं मिली बस मेरे को, वो है कैप्सिकम, क्योंकि यहाँ पे पहले से कैप्सिकम की बहुत शॉर्टेज चल रही है, बाहर के कंट्रीज से आ रहा है, तो वो यहाँ पे पूरे तरीके से ख़त्म है। सुपड़ा साफ है उसका, सुपड़ा साफ, जैसे इंडिया से एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ नज़र आ रहा है, वैसे यहाँ से कैप्सिकम का सुपड़ा साफ है, तो वो नहीं मिली मेरे को। लेकिन अब आप इतने से इन्ग्रीडियंट्स हालांकि पहचान नहीं पाएंगे, तो क्योंकि कुछ इन्ग्रीडियंट हमारे पास पहले से पड़े थे, तो मैं आपको थोड़ा और आइडिया देता हूँ उसमें और क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स हैं। लाल मिर्च खड़ी वाली, और कॉर्नफ्लोर, और मैदा, और गाजर, और सोचना पड़ेगा यार और क्या क्या इसमें मिलना है। हाँ इतना ही है इनिशियली, तो इतना ही है, तो यही सब है और बाकी आपके सामने है। तो ये मैंने आपको इंग्रेडिएंट सारे बता दिए हैं, अब आपके पास एक कंपटीशन है, रेसिपी बताओ कंपटीशन बाबा। ये क्या चूहा भाई ऊपर से, रेसिपी बताओ कंपटीशन है अब ये रेसिपी आप लोगों को बतानी है दोस्तों। रेसिपी नहीं बतानी है, मतलब आपको नाम बताना है कि क्या बनने वाला है, बनाने से एक दिन पहले बताना है ये, क्योंकि जो भी बनेगा वो अगले दिन रिलीज होगा, जो भी कल है, लेकिन आप लोगों को आज बताना है इसको देख के कि क्या बनने वाला है। मैंने आपको बहुत बड़ी हिंट वैसे भी दे दी है चाइनीज, काफ़ी लोगों को आइडिया आ गया होगा, कोई सैफ भाई देख रहा होगा तो उसको समझ में आ ही गया होगा, एक अपना सैफ है, वाह वाह बताओ बताओ वाह वाह बताओ, तुम्हारे वहाँ अल्मोड़ा में बहुत खाया है यार, वैसे भी तुम्हारे हाथ की बनी हुई जब तुम एचएम कर रहे थे, ये वाली नहीं खाई है, तो इन जनरल बता रहा हूँ मैं। तो बस अब आप लोग गैस करिए और कल तक की वीडियो का इंतजार करिए, क्योंकि जो रेसिपी बनने वाली है वो है बड़ी टेस्टी वाली, मज़ा आता है उसको खा के। तो लेट्स सी क्या रहता है सीन कल का। तो अपने को एक कैप्सिकम नहीं मिला है, तो शिमला मिर्च का देखते हैं सीन सान, शिमला मिर्च का क्या करना पड़ेगा, क्योंकि शिमला मिर्च या तो फिर दूसरे स्टोर से आज लानी पड़ेगी या तो फिर कल लाना पड़ेगा, क्योंकि अभी टाइम तो है, कल दिन में भी आ सकता है वो, तो कल दिन में ही ले आएंगे, अभी ज़्यादा जाता नहीं हूँ कि बारिश के भी चांसेस हैं, दोबारा हो सकती है बारिश। तो चलो अब सीधे घर को निकलते हैं। तो खाना पीना अपना हो गया बढ़िया, मौसम भी थोड़ा खुल गया है, बादल चलते हुए नज़र आ रहे हैं, वो कुछ बादल है ना वो चल रहे हैं, तो वो चलते हुए नज़र आ रहे हैं, आप लोगों को पता नहीं इसमें कितना दिखेगा, वैसे दिख तो रहे हैं, तो देखिए वो चल रहे हैं बादल, ये हवा चल रही है ना इसलिए बादल चलते हुए नज़र आ रहे हैं, तो मौसम थोड़ा बहुत खुल गया है। तो बस आज के लिए इतना था, क्योंकि कल पार्टी है इसलिए अपना टाइम पे सो हो जाएंगे, फिर कल टाइम पे उठ के अपना काम धंधा करेंगे, फिर पार्टी करेंगे, पार्टी पार्टी भाई लोगों पार्टी। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और जो आप लोगों से कहा कि आप लोग रेसिपी मेन्यू मीनू गैस करिए, मीनू देखिए अलग अलग वोकैबुलरी है, मैं वैसे मेन्यू बोलता हूँ, कुछ मीनू भी बोलते हैं इस तरीके से, कुछ मेन्यू भी बोलते हैं,
अलग अलग है यार। तो मेन्यू गैस करिए क्या है। तीन चीज़ें हैं, चाइनीज आइटम है, तो तीन चीज़ें हैं, गैस करके बताइएगा क्या है वो, और वो आपको कल के व्लॉग में फिर पता लग जाएगा क्या है। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए। मिलते हैं कल आपको नए ब्लॉग के साथ। जय हिंद।